जब कीन तहि पाषंड भय प्रकट जंतु प्रचंड बेताल भूत पिशाच कर धरे धनु नाराच। जब उसने पाखंड रचा माया रची तब भयंकर जीव प्रकट हुए बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। जो गिन गहे कर बाल एक हाथ मनुज कपाल अकरि सद सोनित पान नाच ही करहि बहुगान। योगनियों एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह से गीत गाने लगी। धरु मरु बोल ही घोर रही पूरे धुन चहु ओर मुख बाय धाव ही खान तब लगे किस प्राण। वो तकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही है चारों ओर यह धुन भर गई है। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं तब बानर भागने लगते हैं। जहां जाय मर कट भागते हैं भरत देख ही आग भय विकल बानर भालू पुन लाग बरसे बालू। बानर भागकर जहां भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। बानर भालू व्याकुल हो गए फिर रावण बालू बरसाने लगा। जहां तहां थकित कर कीस गरजो बहुर दस शीस लक्ष्मण कपीस समेत भय सकर वीर अचेत। बानरों को जहां तहां शिथिल कर रावण भी गरजा लक्ष्मण जी और सुग्रीव सही सभी वीर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ कही सुभट मीज ही हाथ यह विधि सकल बल तोरी तेहि कीन कपट बहोरी। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। प्रकट से विपुल हनुमाना धाये गहे पासान तिन राम घेरे जाए जहां दिस बरुत बनाए। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को घेरा। मारहु धरहु जन जाय कट कट ही पूछ उठाई दह दिस लंगूर विराज तहि मद कौशल राज। वे पूछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे मारो पकड़ो जाने ना पावे। उनके पूछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच कौशल राज श्री राम जी हैं। तहि मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभा लही जनो इंद्र धनुष अनेक की बर बार तुंग तमाल ही। प्रभु देख हरस विषाद उर सुर बदत जय 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 करी रघुवीर एक ही तीर को पिनी मेष मोह माया हरी। उनके बीच कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसे शोभा पा रहा है जैसे ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुष की श्रेष्ठ घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर जी ने क्रोध करके एक ही बाण में निमेश मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया विगत कपि भालु हर से बिटप गिर गई सब फिरे शरण कर छाड़े राम रावण बाहु सिर पुनि मह गिरे। श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जो गावही सत शेष सारद निगम कवि त्यों तदपि पार ना पावही। माया दूर हो जाने पर बानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण का युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों से सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी उसका पार नहीं पा सकते। ताके गुण गन कछु कहे जड़ मत तुलसीदास जिमिन जबल अनुरूप थे माछी उड़े आकाश। उसी चरित के कुछ गुड़गड़ मंदबुद्धि तुलसीदास ने कहे जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे सुरभुज बार बहु
मरदन भट लंकेश। प्रभु कीड़त सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देख कलेश। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर प्रभु को क्लेश में पाते समझकर व्याकुल हैं। काटत बढ़े शीश समुदाई जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। मर नृप श्रम भयो विशेषा राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों के समूह बढ़ जाता है जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जा की इच्छा सो भोजन कर प्रीत परीक्षा। सुन सर्वज्ञ चरा चरण नायक प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं उमा जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है वही प्रभु सेवक के प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा हे सर्वज्ञ चराचर के स्वामी हे शरणागत को पालन करने वाले हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले सुनिए। ना वे कुंड पीयूष बस याके नाथ जियत रावण बल ताके। सुरत विभीषण बचन कृपाला हरस गहे कर बान कराला। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है हे नाथ रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण जी के वचन सुनते ही कृपा से रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ से में विकराल बाण लिए। अशुभ होन लागे तब नाना रो वही खरिस काल बहुस्वाना। बोल ही खग जग आरत हेतु प्रकट भये नब जहां तहां केतु। उस समय नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे बहुत से गधे स्यार और कुत्ते रोने लगे। जगत के शुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केतु पच्छल तारे प्रकट हो गए। दस दिस दाह होनि अति लागा भयो परब बिनु रपि उपरागा। मंदोदरी उर कंपत भारी प्रतिमा सवहि नयन मग बारी। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा आग लगने लगी बिना ही योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा मूर्तियां नेत्र मात से मार्ग से जल बहाने लगी। प्रतिमा रुदहि पावे पात नभ अति बात बह डोलत मही बरसहि बलाहक रुधिर कच रज अशुभ अति सक को कही। उत्पात अमित बिलोक नभ सुर बिकल बोलहि जय जय सुर सुभय जान कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भय। मूर्तियां रोने लगी आकाश से बज पात होने लगे अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी पृथ्वी हिलने लगी बादल रक्त बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पाद देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपाल श्री रघुनाथ जी ने धनुष का बाण संधान करने लगे। खैच सरासन श्रवण लग छाड़े सर इकतीस रघुनायक सायक चले मानो काल फनीस। कानों तक धनुष को खींच कर श्री रघुनाथ जी ने 31 बार छोड़े वे श्री राम जी के बाढ़ ऐसे चले मानो काल सर्प हो।